तो गाइस जैसे कि आपने पहले वाले एपिसोड में देखा था, हम लॉस सैंटोस छोड़ के आ चुके हैं दूसरे शहर में और हमने यहाँ पे खोल लिया एक सुपरमार्केट। हमारा सुपरमार्केट बहुत ही ज्यादा मस्त चल रहा है और अगर हमें वापस लॉस सैंटोस जाना है तो हमें चाहिए $1 मिलियन। तो देखते हैं हम कब तक $1 मिलियन जमा कर पाएंगे, पर आज हम अपने सुपरमार्केट को अपग्रेड करने वाले हैं। तो कैसर आपका दोबारा से स्वागत है हमारे सुपर मार्केट में। आज हमारा तीसरा एपिसोड और आपको याद होगा पिछले दो एपिसोड में हमने अपने सुपर मार्केट को बड़ा कर लिया है, बहुत सारा सामान ऐड कर दिया है और हमारा सुपर मार्केट धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। तो सबसे पहले अपने सुपर मार्केट को हम खोलने वाले हैं। 3, 2, 1 खुल गया, खुल गया, खुल गया, खुल गया, खुल गया, खुल गया, खुल गया। अबे शिनचैन इतना क्यों खुश हो रहा है? कर तो ऐसे रहा है कि हमें 1 करोड़ रुपए मिल गए हो। पर कैसर अभी सुपरमार्केट खुल चुका है और गाइजर आज मैंने सोचा है एक लोन लेने का। $750 का हम लोन ले सकते हैं, उससे हम अपनी सारी की सारी शेल्फ भर सकते हैं और यार 1-2 फ्रिज एक्स्ट्रा ले सकते हैं और चाहे तो शेल्फ भी ले सकते हैं और मुझे अपने यार सुपरमार्केट में लाइट्स भी लगानी है तो वो भी कर सकते हैं। और आज का सबसे पहला कस्टमर, हेलो अंकल कैसे हो, मेरा नाम है शिनचैन और मेरी उम्र 5 साल है। सारा का सारा सामान ले लो अंकल आपके लिए। और ये तो बहुत ही सारी चीजें लेते रहे, ये क्या अंकल को चीज थोड़ी महंगी लग रही है? चलो फटाफट से इनका सारा सामान देते हैं। ये हमारे पहले कस्टमर थे आज के, थैंक यू अंकल आने के लिए। चीज वैसे है कितने की? $5 की और 4.8 तो मार्केट प्राइस है। ठीक है तो 4.50 हम इसको कर सकते हैं, लेट्स गो। और हमारे पास चीज लगता है खत्म भी हो चुकी है, हम मार्केट प्राइस पे करने वाले हैं इसको। अभी हमें कस्टमर ज्यादा चाहिए, प्रॉफिट तो हम बाद में भी कमा लेंगे। अभी अंकल यहाँ पे चाय लेने आ चुके हैं, इनका कार्ड लेते हैं 1850, थैंक यू अंकल। और अभी अपने लिए चीज भी ऑर्डर कर देते हैं। रुक जाओ रुक जाओ, एक और कस्टमर आ गया, थैंक यू, कैसे हो? इनको फटाफट से इनका चेंज दे देते हैं, थैंक यू अंकल आने के लिए। और गाइस अभी मुझे मंगाना है सबसे पहले एग्स और चीज, लेट्स गो। $62 में सबका सब आने वाला है, नहीं 45 में, ओके डन। और यहाँ पर कस्टमर आ गया, इनको पहले दे देते हैं इनका सामान, थैंक यू अंकल। चलो फटाफट से चलते हैं, अपना सामान यहाँ पर आ चुका है। अभी हमारे पास अंडे आ चुके हैं बहुत सारे और सारे के सारे यहाँ पे रख देते हैं और हमारा डिस्प्ले अभी फुल हो चुका है। जल्दी जल्दी इनका सामान लेंगे, इनका कार्ड लेंगे, 2660, थैंक यू अंकल। पिछली बार आपके तेल में तो पानी निकला था, इस बार तेल निकलेगा ना? अरे हाँ इस बार तेल निकलेगा, टेंशन मत लो। ये क्या बोल रही, तेल में पानी कैसे निकल सकता है? चलो अपना ये वाला डब्बे भी उठा लेते हैं, इसमें अपनी चीज है तो फटाफट से सारी की सारी चीज भी रख देते हैं। और ये भी डिस्प्ले फुल हो चुका है, मुझे एक फ्रिज तो और चाहिए ही चाहिए। फटाफट से यहाँ पर करते हैं $9, थैंक यू अंकल। और हमारे पास क्या खत्म हो रहा है देखा जाए, चाय पास्ता थोड़ा मंगवाना पड़ेगा, पानी की बॉटल्स हमारे पास पड़ी है। शिनचैन क्या बोलता है, लोन ले लिया जाए? अरे विक्की मैं ले लूं, दे देंगे बाद में। बात तो सही है, हम लोन चुका तो देंगे। चलो देखते हैं अभी फटाफट से इनको करते हैं, फिर हम थोड़ी देर के लिए स्टोर बंद करेंगे ताकि हम लोन ले पाए जल्दी से। यहाँ पर इनका फटाफट से सारा सामान देते हैं, कार्ड लेंगे, 29, थैंक यू सर। चलो फटाफट से जाके अपने स्टोर को करते हैं क्लोज। और यहाँ पर एक और कस्टमर आ गया, चलो जब तक अपन लोन ले लेते हैं, जब तक वो शॉपिंग कर रहा है यहाँ पर जाएंगे हम बैंक में $750 का। अब यहाँ पर हम डेली पेमेंट कर सकते हैं $57 की और हम इसको कम भी कर सकते हैं, तो 75 एक काम करते हैं $61। ओके अभी मैंने यहाँ पर लोन ले लिया है और मेरे पास हो चुके हैं $881। लेट्स गो फटाफट से, अभी स्टोर हमारा क्लोज ही है तो सबसे पहले क्या किया जाए? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक लाइसेंस ले सकते हैं $400 का, जिसमें हमें और भी बहुत सारा सामान मिलने वाला है, तो मैं ये ले ही लेता हूँ। और आप देख सकते हो पीनट बटर, आटा, ऑलिव ऑयल, पास्ता, सब स्पगेटी, राइस और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास आ चुकी है जो की अब हम ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो एक शेल्फ चाहिए होगी और यहाँ पर हमारे पैसे बहुत ही तेज जाने वाले, $200 की यहाँ पे शेल्फ आने वाली है। और क्या मंगाया जाए, यहाँ पर मुझे लाइट्स भी चाहिए तो एक लाइट भी ले लेते हैं। चलो अभी ये मंगाते हैं फिर देखते हैं क्या करना है। और अभी ये ऑर्डर हो चुका है, हमारी सबसे पहले लाइट आ चुकी है, लाइट हम यहाँ पर लगाएंगे, अभी यहाँ पे एक ही लाइट काम चल जाएगी। और यहाँ पर अपनी बड़ी सी शेल्फ भी आ चुकी है, फटाफट से इसको यहाँ पर लगा देते हैं, डन। तो गाइस आप देख सकते हो अभी हमारे पास $274 बचे हैं और अभी मुझे अपने लिए बहुत सारा सामान भी मंगाना जो कि नया नया है। तो एक काम करते हैं सारा का सारा सामान ऑर्डर कर देते हैं जो भी नया है, देखते हैं फिर कितने पैसे बचेंगे। ये सारा का सारा सामान मैं मंगवाने वाला हूँ, लेट्स गो। $185 सबका सब परचेज कर डालेंगे, फटाफट से सारे के सारे डब्बे खोलते हैं। ये क्या चीज है, सॉल्ट, ओके हमारे पास नमक यहाँ पर आ चुका है, इस डब्बे को ऊपर डालेंगे, कचरे में बहुत सारा सामान आया है। और यहाँ पर हमारे पास बासमती की राइस भी आ चुकी है, तो सारा का सारा ये भी यहाँ पर रख देंगे, इसको फेंकेंगे डब्बे को। और यहाँ पर स्पेगेटी भी आ चुकी है, यानी नूडल्स भी आ चुके हैं, इसको भी फटाफट से लगा देंगे।
और इसमें क्या है, ऑलिव ऑयल। यहाँ पर हमारा ऑयल भी आ चुका है, सारा का सारा डाल देते हैं, ये भी जाएगा डब्बे में। भैया मुझे करने दो, इसमें क्या है? अबे तू देख ना क्या है, ये तो फ्लोर है, ये यहाँ पर आटा भी आ चुका है। एनीवे की मैंने आटा भी रख दिया, और इसमें क्या है? इसमें पता नहीं क्या है। एनीवे की भैया तो पीनट बटर है, और गाइस हमारा पीनट बटर भी यहाँ पर आ चुका है, इसको हमने डाल दिया। एक सेकंड, हमें लाइट चालू कर देनी चाहिए। तो गाइस सारा का सारा सामान यहाँ पर रख दिया है, लगता है आज का दिन तो इसमें जाने वाला है। तो अभी हमें इनकी सारी की सारी प्राइसेस सेट करनी पड़ेगी। ये है 6.70, तो उसको 7 डॉलर का बेचेंगे। पीनट बटर कितने का बेचा जाए? 6 डॉलर का। और यहाँ पर है हमारे लिए सॉल्ट, सॉल्ट हम बेचने वाले हैं 2.50, लेट्स गो। और हम राइस कितने में बेचे? राइस हम बेचेंगे 60 डॉलर में, और ये स्पेगेटी बेची जाए 60 डॉलर में, और ऑयल हम बेचेंगे 6 डॉलर में, लेट्स गो। सारा का सारा प्राइस हमने सेट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे पास्ता भी चाहिए, रुक जाओ जल्दी पास्ता ऑर्डर करते हैं, क्योंकि 9 बजते ही कुछ भी सामान नहीं आएगा, क्योंकि 9 बजे सारा का सारा मार्केट बंद हो जाता है। और हमने यहाँ पर पास्ता भी ऑर्डर कर दिया, लेट्स गो। और अपने स्टोर को भी यहाँ पर खोल दिया जाए, पहले पास्ता रखते थे, फटाफट से सारा का सारा पास्ता रखेंगे, ऊपर भी रख देते हैं, और ये डन। अब थोड़ी देर के लिए स्टोर खोल लेते हैं। वैसे आज का दिन तो यहाँ पर खत्म हो ही चुका है, हमने सारी की सारी चीजें सेट कर दी है। यहाँ पर एग्स की ट्रे बची है, चीज बची, चीज में रख सकता हूँ, हमारा डब्बा हो गया खाली। और हमारा एक कस्टमर और आ चुका है, मुझे लगता नहीं इसके बाद और कोई कस्टमर आएगा। ये डब्बा खाली पड़ा है, इसको फटाफट से डाल देते हैं डस्टबिन में। पानी की बोतल हमारी बिल्कुल भी बिकी नहीं है, यहाँ पर सारी सारी पड़ी है। ये आ गया हमारा कस्टमर, थैंक यू आंटी आने के लिए। और मुझे लगता है आज का दिन हम यहाँ पर खत्म कर सकते हैं, लेट्स गो। तो गाइस आज हमारे टोटल 11 कस्टमर्स आए, और उसमें सिर्फ 5 कस्टमर्स को उनका सामान दे पाए, बाकी के 7 कस्टमर्स ऐसे ही चले गए, उनको सामान बहुत ही महंगा लग रहा था। पर आप टेंशन मत लो, अगला जो दिन होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो गाइस आज है अपना अगला दिन, सबसे पहले हम जाएंगे, आज हमारे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ चुकी है, जैसे कि ब्रेड की। तो ब्रेड की प्राइस यहाँ पर हमारी 450 है, तो हम इसको करने वाले 5, तो 5 डॉलर हमारी हमने कर दी। और किसकी बढ़ी है देख लीजिए, हमारी मिल्क की प्राइस बढ़ चुकी है, और आटे की थोड़ी कम हो चुकी, तो फटाफट से मिल्क में जाएंगे। अभी भी ठीक है, तो इसमें करते नहीं कुछ भी। और फ्लोर में हमको चाहिए, कहाँ पे हमारा आटा, ये ना, ये भी सही है। लेट्स गो, फटाफट से अपने स्टोर को करते हैं ओपन। और गाइस आज है अपना अगला दिन, और सबसे पहले तो हमें लोन भरना पड़ेगा अपना, रोज का रोज हमें लोन भरना पड़ता है। तो 61 डॉलर्स का हमने आज का लोन अपना कंप्लीट कर दिया, तो बाकी का लोन है 793 डॉलर्स, इनको भी करेंगे। हमारा स्टोर बहुत ही अच्छा चलने वाला है, क्योंकि बहुत सारा सामान यहाँ पर आ चुका है। अभी हमें सबसे पहले चाहिए पाउडर, शुगर, चाय और कॉफी। अभी इतना पैसा नहीं है, तो फटाफट से कस्टमर्स आएंगे ना, फिर मंगाएंगे। और मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा खिसका के इधर रखने का, ताकि यहाँ पे आराम से जगह वगह मिल जाए कूदने के लिए, जंप वंप करने के लिए। और हमारा आज का सबसे पहला कस्टमर भी आ चुका है। हेलो दीदी, कैसे हो? हमारा नाम है शिनचिन नोरा, और ये स्टोर दुनिया का सबसे अच्छा स्टोर है। हाँ, मुझे पता है, तभी तो इधर आई हूँ, और मैं रोज इधर आती हूँ। अरे थैंक यू आने के लिए, तो बहुत सारा सामान ले रही है, और अभी फ्रिज में से भी ले रही है। हाँ ले लो सारा ले लो, अरे चीज भी ले लो थोड़ी सी। और यहाँ पर इन्होंने तो बहुत सारा सामान ले लिया है, इसलिए जितना ज्यादा सामान स्टोर में रखेंगे उतना ज्यादा सामान बिकेगा। तो फटाफट से करते हैं थैंक यू। और यहाँ पर अंकल आ गए, अरे इतना सा सामान क्यों लिया इसने, 50, 60, 70, 80, 90, थैंक यू। मैं तो बोल रहा हूँ एक और लोन ले लेते हैं। अबे तू पागल है क्या, रोज लोन ही लेते रहेंगे क्या? पहले इस वाले लोन को कंप्लीट करेंगे, फिर अगला लोन करेंगे। तो यहाँ पर इनको दे देते हैं इनका चेंज, थैंक यू। तो गाइस अभी हमें थोड़ा सा ग्राइंड करना पड़ेगा, तो मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, थोड़ा पैसा कमा के, ताकि अपने सारी की सारी चीजों को रीस्टॉक भी कर पाए। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हमारा बैलेंस हो चुका है 334 डॉलर्स। अभी शाम भी हो चुकी है, 7:30 बज के 9 बजे हमारा स्टोर बंद होने वाला है, और मैंने बहुत सारा सामान मंगा के रखा है, मतलब लगभग हमारा सारा का सारा सामान रीस्टॉक है। और अभी बहुत ही छोटे छोटे कस्टमर आ रहे हैं, पता नहीं छोटी छोटी चीजें को ले रहे, महंगी महंगी चीजें लो, इतनी तो मैंने भर दिया है। यहाँ पर अभी अंडे की ट्रेस डाल देंगे, और ये आखिरकार खत्म हो गई, और ये पानी की अभी भी यहाँ पर पड़ी है, तो ऊपर वाले में डाल देते हैं, और ये भी डन। एक और कस्टमर पर आ चुका है। अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा महंगे महंगी चीजें लेने वाले आ रहे थे, पर अभी बहुत ही सस्ते सस्ते लोग आ रहे लगता है। और अभी लगभग सारी की सारी चीजें पड़ी है। एक सेकंड, आटा खत्म हो गया, बोलते ही खत्म हो गया, ये फ्लोर यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो लेट्स गो, अभी हमने ये भी मंगवा दिया, और ये आखिरी डिलीवरी थी, इसके बाद डिलीवरी भी नहीं होने वाली, और स्टोर भी हमें बंद करने का टाइम हमारा हो चुका है। इसको डालते हैं डस्टबिन में। और ये कस्टमर, ये है हमारा आखिरी कस्टमर, जिनको चाहिए चाय, इनको देंगे इनका चेंज, थैंक यू आने के लिए। और एक और
कस्टमर घुस गया, रुक जाओ फटाफट से स्टोर बंद कर देते हैं। अरे विक्की मैन, आज हमने कितना पैसा कमाया? शिनचैन अभी थोड़ी देर में पता चलने वाला है, आज हमने टोटल कितना कमाया कितना गवाया सब का सब पता चल जाएगा। फिर हमें कल आके लोन भी तो भरना है। फटाफट से ये आखिरी कस्टमर का सामान दे देते, आखिरकार कोई तो आया कुछ तो सामान लेके गया, $31 और हमारे पास लगभग $400 यहाँ पर हो चुके हैं। और ये लाइट भी अच्छा काम कर गई, तो गाइस सारा का सारा सामान पड़ा है, कुछ भी रिस्टॉक करने की जरूरत नहीं है, आज के दिन को हम यहाँ पर खत्म कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास आए थे 25 कस्टमर्स, उसमें से 2 कस्टमर को सामान नहीं मिला, 6 कस्टमर को सामान महंगा लगा और 17 कस्टमर्स को हमने पूरा का पूरा सामान दे दिया। टोटल इनकम आई $562, प्रॉफिट है $365। लेट्स गो, चलते हैं अपने अगले दिन पर। और आज वैसे day 7 चल रहा है, और वैसे आज हमारा day 7 खत्म हो चुका है और ये है day 8, और पीनट बटर की प्राइस हो चुकी है कम, तो हम इसको कर सकते हैं चेंज $5 पे। लेट्स गो, फटाफट से स्टोर को ओपन कर देते हैं। और गाइजर आज मेरा टारगेट है एक खतरनाक सा स्टोरेज खरीदने का। सबसे पहले हम अपने बिल पे कर देंगे सारे के सारे, यहाँ पर हमारा रेंट भी बाकी है, ये क्या यार इतना सारा $35। ओके, सारी की सारी चीजें पहले पे कर देते हैं, फिर देखते हैं। $210 बचे बस, कोई बात नहीं। यहाँ पर स्टोरेज $800, ये तो मैं नहीं लेने वाला, अभी तो $800 की स्टोरेज है जो मैं बिल्कुल भी लेने वाला। यहाँ पर अपने स्टोर को बड़ा कर सकते हैं, वो $750 का है तो वो भी नहीं करना चाहता मैं। प्रोडक्ट लाइसेंस के लिए हमें चाहिए $550 और स्टोर लेवल 9, तो आज हम अपने स्टोर लेवल को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने वाले, कम से कम 10 तक तो हम लेके जाएंगे। तो फटाफट से देते हैं इनको पैसा इनका, येलो, थैंक यू। अभी हमारी स्टोर लेवल चल रही है 6 और आज हम इसको 10 पर लेके जाएंगे, मतलब 4 लेवल हमें इसकी बढ़ानी है। तो फटाफट से बहुत सारा पैसा कमाते हैं और अपने स्टोर लेवल्स को बढ़ाते हैं। और यहाँ पर ये खत्म हो चुका है, स्पेगेटी यहाँ पर खत्म हो चुकी है, तो फटाफट से मंगा लेते हैं। ये भी खत्म हो गया है और स्पेगेटी भी खत्म हो चुकी है, तो इसको करते हैं फटाफट से ऑर्डर। यहाँ पर कस्टमर भी आ चुका है, जल्दी जल्दी सबका सब दे देते हैं। 10, 1, 2, 3, 10, 10, 10, 10, 10, 1, 2, 3, 4, लेट्स गो, डन। इनको फटाफट से सारा का सारा सामान दे देते हैं, इनका कार्ड लेंगे $26.50। जब तक आप जाके सारा सामान जमाओ मैं इनको संभालता हूँ। अबे तू कहाँ से संभालेगा, तू बच्चा है अभी यार, चुपचाप बैठ। 1, 2, 3, 4, थैंक यू सर, जल्दी जल्दी सारा का सारा सामान उठाएंगे। अरे विक्की मैं, रुको मैं करूंगा। हाँ ले, तू कर ले। यहाँ पे रखेंगे सारा का सारा सामान। अबे शिनचैन ऊपर रखना, नीचे क्यों रख रहे हैं? मुझे नीचे रखना ज्यादा पसंद है। वाह ये क्या बात हुई, फटाफट से डब्बा डाल दे डस्टबिन में। और कस्टमर भी आ चुका है। अरे विक्की मुझे समझता है, मुझे मत सिखाओ। हेलो दीदी कैसे हो, मेरा नाम है शिनचैन नोरा, मैं आपको डिस्काउंट दूं क्या? अबे वो शिनचैन किसी को डिस्काउंट विस्काउंट नहीं देना, चुपचाप जो प्राइस है वो लिखता रहे। इन्होंने तो बहुत ही सारा सामान ले लिया, थैंक यू दीदी। शिनचैन अब बता क्या खत्म हो चुका है? चौको भी कम है। अरे ये तो रही तेरी सारी चौको भी धरी पड़ी है, हमारा पास्ता खत्म हो चुका है और यहाँ पर इसका सिर्फ एक ही पैकेट बचा, जल्दी मंगा। ओके विक्की मैं अभी मंगाता हूँ, पास्ता 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 पास्ता। अरे विक्की मैं लूँ, मैंने ऑर्डर कर दिया। हाँ शिनचैन अब कस्टमर भी आ गया। अरे विक्की मैं कितनी जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है, मैं थक गया मैं तो। देख शिनचैन मैं ये पूरा टाइम करता हूँ, तू एक बार कर रहा है उसमें भी तू थक गया, जल्दी जल्दी कर। अरे विक्की मैं कर रहा हूँ। अरे मुझे नहीं करना, आप ही कर लो। अरे ये शिनचैन यार कुछ काम नहीं कर पाता, मैं जा रहा हूँ नन्हे को दीदी के साथ खेलने। चुपचाप इधर बैठ, जितना सामान है पहले वो सारा का सारा लगाना पड़ेगा। इसको ऊपर रखते हैं और इसको डालते हैं डस्टबिन में। शिनचैन तेर से कुछ नहीं होने वाला, बस तू झाड़ू पोछे पर ध्यान दे। अरे विक्की मैं, मुझे पैसे दोगे तो मैं झाड़ू पोछा भी कर दूंगा। अच्छा मैं तो झाड़ू पोछे करने के पैसे दूं? अरे हाँ गाइस सर, हम अपने लिए एक जना हायर भी कर सकते हैं जो कि कैश काउंटर पे खड़ा होगा। रुक जाओ अभी देखते हैं वो कितने पैसे लेगा हमारे से, पहले देखेंगे वो। चलो फटाफट से देखते हैं वो हमसे कितने पैसे लेने वाला है। यहाँ पर $100 और $180, और अभी हमें स्टोर लेवल 10 चाहिए, तो हमें कुछ भी करके स्टोर लेवल 10 तो आज करना ही पड़ेगा। उसी के बाद हमारी सारी की सारी चीजें अनलॉक होने वाली है और सारा पैसा भी हमें तभी मिलने वाला है। तो बिना एक्सेस देने के बहुत सारा पैसा कमाते हैं और स्टोर लेवल 10 तक पहुंचते हैं। तो गाइस सर आज मैंने बहुत ही ज्यादा कोशिश कर ली, 2 दिन से मैं लगातार स्टोर कर रहा हूँ, पर हमारा लेवल बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब हम लेवल 10 पे आज तो नहीं पहुंच पाएंगे, पर अभी फटाफट से कस्टमर को कर दीजिए क्योंकि मैंने स्टोर बंद कर दिया है और ये आखिरी कस्टमर है। तो फटाफट से इसको दे देते हैं सारा का इसका चेंज, लेट्स गो। तो गाइस सर हमारे पास $825 हो चुके हैं, उससे मैं अपने लिए सारा का सारा सामान डबल डबल मंगवाने वाला हूँ, जितना सामान है वो सब का सब आने वाला है। जैसे
की चोकोबी ये सबका सब मंगा दूंगा ताकि हमारे पास सबका सब एक्स्ट्रा में पड़ा रहे और हमें कुछ भी अलग से मंगाना ना पड़े। ओके यहाँ पे मैक्स हो चुका है, मैं देख भी नहीं रहा हूँ, एक्स तक हमारे पास आ चुका है। अब एक्स के बाद जाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 18 आइटम्स हमने यहाँ पर मंगाए हैं। $347 हमारे हो चुके हैं। सारा का सारा सामान कैसे घिर चुका है पूरा रोड पे। चलो जल्दी जल्दी उठाते हैं और जितना हम रख सकते हैं वरना यहाँ पे सारा का सारा सामान रख देंगे। जितना शेल्फ्स में आएगा उतना शेल्फ्स में, बाकी सारा जमीन पर ये यहाँ पर रख देंगे। जितना पूरा का पूरा भरने वाला हूँ कुछ भी मैं छोड़ने नहीं वाला है। सारे के सारे डब्बे अभी खाली करूंगा आज के दिन में पूरे के पूरे। यहाँ पर ये सॉल्ट जितना रखते हैं यहाँ पर इसको डब्बे को रख देते हैं। इसमें क्या है? अरे विक्की में इसमें तो मेरी प्यारी प्यारी ब्रेड है, मैं रखूंगा। हाँ शिनचैन तू रख ले, ये ब्रेड यहाँ पर हो गई। और इसमें क्या है देखा जाए? अरे विक्की में आटा, आपको पड़ेगा चाटा। मुझे चाटा मारेगा तू, मार के दिखा। फटाफट से इसको भी रखते हैं। और इसमें क्या है? अरे विक्की में सपाटी। अरे सपाटी नहीं, स्पगेटी बोलते हैं इसको, सपाटी बोल रहा है। रुक जाओ एक बज गया, इसको भी रख देते हैं। और इसमें हमें क्या मिलने वाला है? बासमती राइस जो की पूरे का पूरा फुल हो रखा है और कुछ करने के लिए नहीं है तो यहाँ पे रख देते हैं पूरा का पूरा। ये बहुत ही अच्छी बिक भी रही थी वैसे। और अब इसमें क्या है? यहाँ पर शिनचैन की चौको भी जितनी है इनको पूरा का पूरा फुल कर देंगे, बाकी को हम रखेंगे इधर। अरे विक्की में इसमें देखो पूरा का पूरा दूध आ गया। दूध भी जितना फिल हो सके उतना करेंगे, बाकी सारा रखेंगे इधर क्योंकि हमारे पास सिर्फ अभी तक एक ही फ्रिज है। मैं वैसे आज फ्रिज खरीद सकता था पर कोई बात नहीं, कल खरीद लेंगे। फटाफट से सारा का सारा पीनट बटर भी रखेंगे जितना बचा वो। यहाँ पर पूरा का पूरा अंदर कचरा होने वाला है पर मैं कोशिश करूंगा पूरा का पूरा ढंग से रखने की, पर अभी देखते हैं। यहाँ पर सारी चीज चाय हो गई, यहाँ पर जितनी बची है वो यहाँ पर रखती। चाय इस डब्बे को डालेंगे डस्टबिन में। और इसमें क्या है? पास्ता। लेट्स गो, यहाँ पर सारा का सारा पास्ता रखेंगे। दो पीस बच गए, इधर रखते हैं डब्बे को। ये लास्ट में देखेंगे, पहले जितनी चीजें हो रही है उतनी खाली तो कर दूं। यहाँ पर एक ऑयल आ पाएगा, बाकी सारा ऑयल यहाँ पर रख देंगे। ये डन, इसको डालते हैं डस्टबिन में। और गाइस बस दो तीन डब्बे और बचे हैं। यहाँ पर शुगर हमारे पास है क्या? यहाँ पर है ना शुगर, यहाँ पर जितना हो सके वहां पर रखेंगे, बाकी सारा यहाँ पर रख देंगे। सारी की सारी शेल्स मतलब पूरी की पूरी फुल भर दूंगा, एक भी शेल्फ खाली नहीं बचनी चाहिए। पानी बॉटल मेरे पास वैसे इतनी सारी पड़ी थी, मैंने एक और मंगा दिया, कोई बात नहीं बाद में काम आएगा। और इसमें हमारा ऑयल है, और ये वाला ऑयल तो मेरे पास पूरा का पूरा खत्म ही हो चुका है, मैंने देखा भी नहीं। यहाँ पर सारा का सारा रख देते हैं। लेट्स गो, इसको डालेंगे डस्टबिन में। यहाँ पर ये आखिरी डब्बा है, इसके बाद ये हमारे पास चीज है, जितनी रखे उतनी बाकी इधर ही रख देंगे। हमारे पास मिल्क, पास्ता और ये पीनट बटर और भी दो तीन चीजें बच गई। तो गाइस फटाफट से आज के दिन को करते हैं खत्म। हमारी सारी की सारी शेल्फ्स आप देख सकते हो भर चुकी है। ये नहीं भरी क्योंकि इसमें सिर्फ एक स्पगेटी और मेरे पास और स्पगेटी बची नहीं है। तो गाइस इसी के साथ आज का हमारा ये दिन भी होता है खत्म। और आज आए हमारे टोटल 19 कस्टमर, उसमें से 16 कस्टमर सारा सामान ले गए और हमारी बैलेंस बचा है $347। तो गाइस अब आ चुका है हमारा अगला दिन। सारे का सारा स्टोर पूरा का पूरा पैक हो रखा है। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने जगह खाली कर दी क्योंकि अभी मैं अपने लिए फ्रिज खरीदने वाला हूँ। जल्दी से जाएंगे अपने लिए एक बढ़िया सा फ्रिज लेंगे। एक हमारे पास फ्रीजर भी है आइसक्रीम रखने के लिए पर अभी वो चाहिए नहीं, तो इसको हटा देते हैं। हमारे पास $347 है और $375 का फ्रिज है, सिर्फ $50 कम है। लगता है थोड़ी देर के लिए स्टोर खोलना पड़ेगा। बस ये फ्रिज खरीदूंगा, फिर आज के लिए बस इतना ही करेंगे ताकि हमारा एक बड़ा सा फ्रिज आ जाए यहाँ पर और ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर आ जाएगी। जल्दी जल्दी कस्टमर बुलाने पड़ेगा। आई अंकल आपका स्वागत है, आई अंकल आपका स्वागत है। और गाइस हमारा स्टोर लेवल 8 भी हो चुका है, हमें 10 करना था तो 2 लेवल और बाकी है। चलो पहला कस्टमर आ गया, एक और आ जाए तो मस्त मजा ही आ जाएगा। आ जाओ अंकल आ जाओ, सारा का सारा सामान, इतना सामान मैंने रखा है कि ये पूरे दुनिया भर की शॉपिंग कर सकते हैं। आ जाओ अंदर आ जाओ। और ये बंद, और कस्टमर नहीं चाहिए। 2 कस्टमर से हमारा सारा का सारा पैसा मिल जाएगा। आ जाओ अंकल चेक आउट करते हैं आपका। और ये देख सकते हो इन्होंने बहुत सारा सामान लिया है $34 का। और हमारा इसी के साथ काम हो चुका है। ये कस्टमर यहाँ से चला भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर फिर भी हम इनका सारा सामान ले लेंगे। हमने स्टोर बिल्कुल सही टाइम में बंद कर दिया। 3120 डन। और गाइस इसी के साथ यहाँ पर हमारा हो चुका है फ्रिज, आ चुका है परचेज। लेट्स गो, स्टोर हमारा क्लोज ही रहने देते हैं। अपना बड़ा सा फ्रिज निकालेंगे। क्या फ्रिज यहाँ पे रखा जाए या फिर कहाँ रखा जाए, मैं सोच रहा हूँ वही इधर सामने ही रख देते हैं। जब अगली शेल आएगी तब की तब देखेंगे। ये थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है इधर जगह, इसलिए यहाँ पर। लेट्स गो, हमारा फ्रिज यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहले पानी की बॉटल, पूरी की पूरी बॉटल से मैं इसको भर दूंगा जितनी मेरे पास बॉटल है। इसको डालते हैं डस्टबिन में। जितनी बॉटल से सारी की सारी हमारी आखिरकार बॉटल्स भर जाएगी। और ये भी गया डस्ट
डस्टबिन के अंदर। और हमारे पास फ्रीजर में क्या है, यहाँ पर हम चीज ले सकते हैं, चीज भी रख सकते हैं, लेट्स गो फटाफट चीज रख देते हैं और फटाफट से ये एग्स भी ले लेते हैं और सारी की सारी शेल्फ्स में जमा देते हैं। ये भी हो गया डन, सारा का सारा सामान हमारा लगभग गायब हो चुका है। यहाँ पे मिल्क भी है तो फटाफट से सारा सारा मिल्क भी डाल देते हैं, यहाँ पर मिल्क भी हो गया। अब जो आगे मैं फ्रीजर ले लूंगा ना वो ऐसे कर दूंगा, अलग से एक बॉटल का फ्री, पानी की बॉटल का फ्रीजर, एक चीज का फ्रीजर, एक एग्स का और एक मिल्क का, वो सब बाद में करेंगे। अब ये सब का सब डन हो चुका है। हमारा पीनट बटर अगर बिका है तो हम रख सकते हैं, नहीं रख सकते। पास्ता बिका है तो पास्ता रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते। और रुक जाओ, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक शेल्फ खाली हो गई, तो ये भी हमारा हो गया डन। तो गाइज़र हमने सारा का सारा अपना कचरा भी समेट दिया है, सिर्फ यहाँ पर ये पीनट बटर बचा है। और मैं सोच रहा हूँ इस फ्रीजर को यहाँ से यहाँ पे लाने का, सारा फ्रीजर सेक्शन यहाँ पर ही कर देते हैं। लेट्स गो डन, यहाँ पर एक शेल्फ लगा देंगे बाद में। तो गाइज़र इसी के साथ आज का एपिसोड होता है यहाँ पर खत्म। हमारा स्टोर लेवल हो चुका है 8, हमारे पास थोड़ा बैलेंस भी है। और गाइज़र मुझे अपना लोन भी तो देना होता है यार, मैं तो भूल ही गया था, $61 की दो दो पेमेंट यहाँ पर आ चुकी है पर मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो में इसको करेंगे। तो गाइज़र आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, बताना इसलिए कि वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइज़र इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वापस जाके जॉइन फॉलो करना। और गाइज़र हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।